वंदना 40 साल की है, नागपुर की रहने वाली है। अब पिछले कई समय से उनको हाथों में दर्द, झंझनाहट, कमजोरी और हाथ सुन्न हो जाने की शिकायत हो रही थी। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर समय के साथ ये प्रॉब्लम और बढ़ती गई। अब जब भी वो कोई सामान उठाती, चाहे वो फोन हो या न्यूज़पेपर, उनके हाथों में झंझनाहट होने लगती थी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि उन्हें कार्पल टनल सिंड्रोम है। ये एक बहुत ही आम कंडीशन है जिसके कारण हाथों में झंझनाहट होती है। वंदना को डॉक्टर ने एक छोटी सी सर्जरी करवाने की सलाह दी है। वो चाहती हैं कि एक्सपर्ट से बात करके हम कार्पल टनल सिंड्रोम पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये लोगों को बताएं। क्योंकि कई लोगों को हाथों में दर्द, झंझनाहट, सुन होने की प्रॉब्लम होती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। ऐसा कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। यूजुअली ये देखा गया है कि फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, एज की वजह से होती है, या कभी कभी हार्मोनल इम्बेलेंस या हाइपोथायराइड की सिचुएशन में पेशेंट्स को होती है। ज़्यादातर फीमेल्स में होती, मेल्स में कम होती है। इसमें जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, जो निकल करके आर्म को सप्लाई करती हैं, वो यहाँ रिस्ट के पास, यहाँ पे की बोन्स को कार्पल बोन बोलते हैं। और यहाँ पे चूँकि एक टनल के फॉर्म में ये जो आपको दिख रहा है, ये क्रीच, यहाँ के इसी के नीचे एक टनल होती है। इस टनल में कभी कभी नर्व प्रेस हो जाती है। प्रेस होने के दो रीज़न हैं, या बाकी सारे स्ट्रक्चर का साइज बढ़ जाए, या आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में कोई इडिमा हो, कोई स्वेलिंग हो, या कोई बीमारी हो। नॉर्मली ये देखा जाता है कि फीमेल्स में वाटर रिटेंशन की वजह से ये कार्पल टनल के नीचे जो नर्व है वो दब जाती है। इसकी वजह से हाथों में पेन आता है। पेशेंट या इन तीन उंगलियों में पेन की बात करता है, या इन दो उंगलियों में पेन की बात करता है। ये पेन ज़्यादातर रात में होता है, डिस्कम्फर्ट रात में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दिन में वो काम करने लगते हैं पेन कम होने लगता है, फिर रात में तकलीफ होती है। और अर्ली स्टेज में तो स्लो होता है, बट लेटर स्टेज में ये पेन हाथ से शुरू होकर के पूरा रिवर्स करके यहाँ तक आता है, कभी कभी इधर भी जाता हुआ लगता है। तो जो पेशेंट मेजॉरिटी आते हैं वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अपना दर्द बताते हैं, और उनसे हिस्ट्री लेते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि ये केवल तीन उंगलियों इधर की या इधर की दो उंगलियों में होता है, और रात में पेन ज़्यादा होता है। इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको किया जा सकता है। दोनों हाथ को ऐसे करके इस पोजिशन में रख लिया जाए। अगर इसको रखने से हाथ में दर्द आ रहा है, इसका मतलब कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। ये प्रेस करने का टाइम करीब करीब 2 मिनट का होना चाहिए। अगर 2 मिनट में किसी को हाथों में, उंगलियों में झंझनाहट, पेन, दर्द शुरू हो गया और यहाँ से रेडिएट होकर यहाँ तक जाने लगा, इससे ये पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसको पता करने के लिए सिर्फ एक टेस्ट की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं EMG NCV। उस टेस्ट को कराने से ये कन्फर्म हो जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। बट रेयरली कभी कभी MRI सर्वाइकल स्पाइन का भी किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जब यहाँ से पेन कंप्लेन करता है तो नेक को भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली अर्ली स्टेज में माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में इसमें कुछ मेडिसिंस दी जाती हैं, जिसमें गावापेंटिन, प्रीगाबेलिन, विटामिन B12 होता है, वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। कुछ मेजॉरिटी पेशेंट्स में जिसमें इररिवर्सिबल टाइप का कॉज होता है, जैसे कि स्वेलिंग हो या एज रिलेटेड हो या हाइपोथायराइड अनकंट्रोल्ड हो, उस सिचुएशन में पेन कंट्रोल नहीं होता है। और जब पेन कंट्रोल नहीं होता तो एक बहुत ही स्मॉल सी सर्जरी करनी पड़ती है। इतने छोटे से इंसीजन के साथ हम यहाँ करते हैं, और मैं इस सर्जरी को कुल 30 से 40 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ। 30 से 40 सेकंड, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 से 40 सेकंड में सर्जरी ख़त्म होती है और मरीज़ सुबह आके शाम को घर जा सकता है, बिल्कुल सारे मूवमेंट नॉर्मल हो जाते हैं। इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी, लेकिन सर्जरी तभी करनी चाहिए जब 3 महीने का मेडिकल कोर्स
कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि 3 महीने तक दवाओं से अगर आराम ना मिले तो सर्जरी करनी चाहिए। और आजकल का गूगल डॉक्टर बहुत सारे स्प्लिंट बताता है, रात में लगाने के लिए स्प्लिंट लगाते हैं। स्प्लिंट लगाने से मेजॉरिटी केस में कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये एक प्लेसिबो की तरह काम करता है, इसका कोई खास रोल नहीं है। जो मेजर रोल होता है कि इसके डिकम्प्रेशन को ख़त्म करना, अगर कोई कॉज है यानी कि अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है तो थायराइड को कंट्रोल करना, शुगर अगर है तो शुगर को कंट्रोल करना, या जो एडिशनल चीज़ें हैं, एज को हम कम नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो रिवर्सिबल हो सकती हैं मेडिसिन के थ्रू, उसको हम दवाओं से ठीक करते हैं। पर मेजॉरिटी केस में अगर कंटिन्यूस पेन है, रेगुलर पेन है, रोज़ आपको दुखी कर रहा है, रोज़ परेशानी हो रही है, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ रोज़, यानी कि हफ्ते में 5 दिन अगर आप इस पेन से परेशान हैं, आपको हाथ में काम करने में दिक्कत आ रही है, तब आपको सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी शुड बी लास्ट रिसॉर्ट, और मेडिसिन का ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। 3 महीने के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो फिर आपको सर्जरी करानी चाहिए। स्प्लिंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर डॉक्टर साहब के बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो देरी ना करें, डॉक्टर से मिलें और इलाज करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मेनोपॉज यानी वो कुदरती प्रक्रिया जिनमें औरतों को पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब इसके साथ उनके शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं जिनके कारण वो सहज महसूस नहीं करती। क्या है वो बदलाव, जानते हैं डॉक्टर लवलीना नादिर से। अगर लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं होते हैं तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ये कुदरती यानी कि नेचुरल प्रक्रिया है जो कि 45 से 55 साल की महिलाओं में देखी जाती है। इसके बाद महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका कारण है हार्मोन्स में बदलाव या फिर परिवर्तन आना, जिसकी वजह से औरत के शरीर में अंडे बनना बंद हो जाते हैं। शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। पीरियड्स पूरी तरह से बंद होने से पहले भी ये लक्षण शुरू हो सकते हैं। मेनोपॉज के लक्षण कुछ महीने या फिर साल पहले शुरू हो सकते हैं। मेनोपॉज के दौरान औरतों में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जैसे कि पीरियड्स अनियमित समय पर होना, पीरियड्स का कम या फिर ज्यादा होना, वजाइना में ड्राइनेस, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्किन काफी रूखी महसूस होती है। कुछ महिलाओं के बाल भी झड़ने लगते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन ना बनने की वजह से मांसपेशियों और हड्डियों में काफी कमजोरी हो जाती है। मनोदशा में भी बदलाव आ सकता है। नींद की समस्या हो सकती है। कभी कभी महिलाओं को बहुत गर्मी या फिर बहुत ठंड का एहसास होता है। इसको हॉट फ्लैशेस या फिर कोल्ड स्वेट कहते हैं। मन विचलित रहता है। कभी कभी वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। घबराइए नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरती प्रक्रिया है और इन सभी लक्षणों का हल ढूंढा जा सकता है। सबसे जरूरी होता है संतुलित और पौष्टिक खाना, जिसमें रोटी, फाइबर और कैल्शियम होना चाहिए। जो शाकाहारी यानी वेज खाने वाले हैं उन्हें प्रोटीन दूध, दही, पनीर, दाल, स्प्राउट्स और सोय से मिलेगा। मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन अंडे, मछली और चिकन से मिलेगा। फाइबर मिलेगा हरी सब्जियों से, ताजे फलों से। कैल्शियम भी डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि दही, दूध, चीज, पनीर। ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना भी जरूरी है। सबसे जरूरी है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। आप मेडिटेशन, योग, सैर या फिर एरोबिक्स कर सकते हैं। इससे बोन डेंसिटी यानी हड्डियों की सेहत और मांसपेशियां भी बेहतर होती हैं। कुछ महिलाओं में ये लक्षण बहुत अधिक होते हैं। इस केस में हो सकता है कि डॉक्टर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दवाइयों से लेकर क्रीम तक दी जा सकती है हार्मोन्स की भरपाई करने के लिए, पर हार्मोन्स ज्यादा समय तक नहीं ले सकते क्योंकि इससे कैंसर का, दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकासी हेल्थ टिप, जिसमें आज बात करेंगे कि अगर आपको दूध या फिर दूध से बने दूसरे प्रोडक्ट से एलर्जी है या फिर आपको पसंद नहीं है तो फिर कैल्शियम के लिए खाने में कौन सी चीजें आपको शामिल करनी चाहिए। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स के तौर पर दूध, दही, छेना और पनीर को जाना जाता है। लेकिन अगर आपको इन चीजों से एलर्जी है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो फिर आपको दूध पचता नहीं है, दूध से दिक्कत होती है। अब कैल्शियम की भरपाई करने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या करें, ये जानने के लिए हमने बात की चीफ डाइटिशियन ZM पटेल से। वो बताती हैं कि रागी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है।
गाढ़े हरी पत्तियों वाली सब्जी जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली, अरबी के पत्तों से अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, मेवे और बीज जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम के लिए मशरूम और मखाना भी खाया जा सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।